भगवान राम सबका बेड़ा पार करते हैं। बीजेपी को भरोसा है कि 2019 के चुनाव में भी भगवान राम अपने हाथों में पतवार थामकर उसे चुनावी वेतरणी पार कराएंगे। यही वजह है कि चुनावी साल में बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर भगवान राम की याद सताने लगी है। मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल ने भी होर्डिंग पोस्टर लगाकर जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का वादा किया है। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि मंदिर जमीन पर बनता है, ना कि पोस्टर होर्डिंग और नारों से चुनाव तो जीता जा सकता है लेकिन दिल नहीं। चुनावी साल में बीजेपी को आई भगवान राम की याद। बीजेपी विधायक ने कांवड़ मार्गों पर लगवाए होर्डिंग और पोस्टर। अयोध्या में जल्द राम मंदिर निर्माण का किया वादा। पोस्टर होर्डिंग लगाने से बन जाएगा राम मंदिर। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कब तक होता रहेगा खिलवाड़? राम मंदिर चुनावी मुद्दा या आस्था का मुद्दा? मुजफ्फरनगर जनपद में अलग अलग तरह के पोस्टर और होर्डिंग बैनर लगाकर चर्चाओं में रहने वाले नगर बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल का एक होर्डिंग एक बार फिर चर्चा में है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के स्वागत के लिए बीजेपी विधायक की ओर से लगाए गए होर्डिंग पोस्टर में बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का वादा कर रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है कि जो भारत विरोधी हैं वो शर्मिंदा रह जाएंगे, महाकाल भक्तों का वादा है, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये पोस्टर विधायक और उनके समर्थकों की ओर से शहर के कांवड़ मार्गों पर लगाए गए हैं। भगवान से किया गया ये वादा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इस बाबत विधायक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं का प्रश्न है, बहुत जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, इसके लिए हम भगवान राम, हनुमान और महाकाल से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द पूरा हो। उन्होंने कहा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था उस समय पार्टी ने नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हमें उस संकल्प को पूरा करना है और बहुत जल्द भव्य राम मंदिर बनेगा। ये हमारी भावना है, ये हमारा जीवन शैली है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बहुत शीघ्र अयोध्या के अंदर बने। इसके लिए हनुमान जी से, भगवान राम से, अपने भोले बाबा महाकाल से लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदुओं के आस्था का विषय, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जो भावनाएं वो शीघ्र पूरी हो, ऐसी मांग है। हमने जब राम जन्म का आंदोलन था हमने उस समय नारा लगाया था, राम में राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो संकल्प को पूरा करना है, बहुत जल्दी भगवान राम का मंदिर और बनेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पिछले करीब 2 दशकों से बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी नारा रहा है, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। तब से बीजेपी कई बार सत्ता का स्वाद चख चुकी है। पहले बीजेपी के पास अपना स्पष्ट बहुमत नहीं होने और गठबंधन की मजबूरियों का बहाना था, लेकिन 2014 में वो भी बहाना खत्म हो गया। पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनी, लेकिन तब से करीब 4.25 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जमीन विवाद का ये मामला लंबित है। उधर मंदिर निर्माण में हो रही देरी से संत समाज के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। करोड़ों हिंदू मतदाता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में बीजेपी नेताओं को एक बार फिर भगवान राम की याद आने लगी है। बीजेपी को भरोसा है कि सबके पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमेशा की तरह इस बार भी उसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे। प्रवेश कुमार, समाचार प्लस, मुजफ्फरनगर।